बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द टुडेज टॉपिक ऑफ आवर केमिस्ट्री क्लास इज एलिमेंट्स। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड हाउ द एलिमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि वो सिमिलर एटम्स से मिलकर बने होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। और इसको हम जो है वो ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स जो हम उसके थ्रू सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये तीन चीजें एलिमेंट्स की डेफिनेशन में हमें याद रखनी जरूरी है। एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड एलिमेंट्स में आप लोगों को एग्जांपल है सोडियम, पोटेशियम और आयरन की। ये क्या है? सॉलिड एलिमेंट है। जबकि लिक्विड एलिमेंट्स की एग्जांपल में हमारे पास ब्रोमीन और मरकरी आ जाएगा। और गैस एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये क्या है? गैसेज हैं। एलिमेंट्स की जो परसेंटेज होती है वो अर्थ क्रस्ट, ओशन और एयर में डिफरेंट होती है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट हैं और उनकी कंसेंट्रेशन जो है वो डिफरेंट लोकेशंस या एरिया पे हम लोग कह रहे हैं, जैसे कि अर्थ क्रस्ट पे और ओशन में और एयर में इसकी परसेंटेज भी क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। आप लोग टेबल 1.1 जो आपकी बुक में है उसको एक दफा देख लीजिएगा और उसकी परसेंटेज को जो है वो याद रखिएगा, क्योंकि वो एमसीक्यूज के लिहाज से आपके पेपर में आ जाता है। थर्ड जो हमारे पास एलिमेंट्स के बारे में चीज है वो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अगर हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को देखें तो हम उनको तीन जो है वो उस टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स जो है वो सारे सॉलिड आ जाएंगे और ये क्या कर सकते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। जबकि नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स जो है वो ट्रांजिशन स्टेट होती है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स में, और मेटलॉइड्स को हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, यानी कि सिंबल्स को यूज करके हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स आर बेसिकली एब्रिविएशन ऑफ एलिमेंट्स। कोई भी हमारे पास एलिमेंट है उसके नेम की एब्रिविएशन को हम कहेंगे कि वो क्या है? सिंबल है। और ये सिंबल हम लेते कैसे हैं? ये हम लेते हैं टेकन फ्रॉम ग्रीक, लैटिन एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ये हम लोग उस एलिमेंट का नेम जो है या तो वो ग्रीक में है या लैटिन में है या इंग्लिश लैंग्वेज में है, उससे हम ये एब्रिविएशन जो है सिंबल की लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उसके सिंबल्स हमें दिए हुए हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम एक क्या है? एलिमेंट है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका सिंबल क्या है? Al, यानी कि बेसिकली ये क्या है? इसका शॉर्ट नेम कह लें आप, सिंबल होता है। कार्बन, कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? C से। कार्बन का सिंबल क्या है? C। इसी तरह अगर आप लोग देख लें कॉपर, तो कॉपर का सिंबल हमारे पास Cu होगा। अब वो Cu क्यों है? उसको भी हम C से कह सकते हैं। वो इसलिए कि वो कंफ्यूजन क्रिएट हमारे पास ना हो, कार्बन और कॉपर को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें। इसी तरह हमारे पास थर्ड एलिमेंट है वो हमारे पास आयरन है, जिसको कि लैटिन में हम लोग फेरम भी बोलते हैं। तो अब इसका जो सिंबल है वो Fe है। आयरन का सिंबल Fe क्यों है? क्योंकि आयरन का जो है वो लैटिन नेम क्या है? फेरम है। तो ये उसके लैटिन नेम से इसका सिंबल लिया गया है Fe। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एलिमेंट्स। इन नेक्स्ट लेसन वी विल डिस्कस अबाउट कंपाउंड्स।